आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट को सॉरी कहना चाहते हैं, हमने एक गलती किया कि फोर्थ आरए में मैंने एक पॉइंट को मिस करके 13.47 समथिंग कुछ बोल रहा है, लेकिन वो वाला काम अभी तक किया क्यों नहीं? उसका काम आप दिखाइए ना, बोरमाए, तारासो, राधासो, ये तीन ब्रिज का बाद में बोल रहा है, तीन पाइलिंग किया, एक तो कुछ पाइलिंग किया भी नहीं है, चार पाइलिंग हुआ नहीं है, सिर्फ तीन पाइलिंग हुआ। इंश्योरेंस लेटर हमको जारी कीजिए, वही डीसी का साथ, 31 मार्च तक ख़त्म करेगा। अगर आप ख़त्म नहीं करेगा तो आप ये फार्म को ATW जो फार्म है डिब्रूगढ़ का जो फार्म है उसको आप ब्लैक लिस्टिंग करना है। MSSN इंटरप्राइज, आप लोग से भी कम वक्त में ये काम करके दिखाया, 5 साल हो गया लेकिन आज तक आप लोग बीती भी नहीं कर सक रहा है, 13 करोड़ का काम कहाँ में? जय आपका जो चेहरा तेजा है RWD को, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटी क्या है आप यही को दिखाना है, यही का फ़ायदा उठाए आप। सबसे पहले तो मीडिया बंधु को थैंक यू, मैं मुरंग अकई, प्रेसिडेंट तारासो सर्कल यूथ एसोसिएशन, मेरा लेफ्ट साइड अचीव आगंग जनरल सेक्रेटरी, और उसका बाद कन्वेनर मिस्टर गोलोरिकू। आज मीडिया में आने का यही एक मुद्दा है कि ये हम लोग 24 को हम लोग एक प्रोटेस्ट किया था आपका PMJS रास्ता का बारे में, आपका RWD यह UPI डिवीज़न के तरफ से UPI डिवीज़न को अगेंस्ट करके हम लोग का जो ये मुद्दा है आपका रास्ता नहीं बनाने का कारण से, रास्ता आज तक बना नहीं है और ऐसे लग रहा है बनेगा ही नहीं। और जितना तक कि हमने देखा आपका जो मीडिया ब्रीफिंग किया है एग्जीक्यूटिव सर ने, तो उसका बारे में मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा। मीडिया ब्रीफिंग में ये कहा कि सर ने बोला कि 31 मार्च तक का एक 2023 31 मार्च तक का एक अल्टीमेशन रखा, तो उसको मैं यही बोलूँगा कि 31 मार्च तक आप कंप्लीट कर देगा तो मैं ये मानता हूँ कि आप कंप्लीट कर देगा होगा, लेकिन हम ये बोलते हैं कि आप 31 मार्च तक कंप्लीट कर देगा तो आप एक एश्योरेंस लेटर हम लोग को जारी कर दीजिए, तारासो पब्लिक को एक जारी कर दीजिए कि आप ये 31 मार्च तक ख़त्म करेगा। अगर आप ख़त्म नहीं करेगा तो आप ये फार्म को ATW जो फार्म है डिब्रूगढ़ का जो फार्म है उसको आप ब्लैक लिस्टिंग करना है, करेगा बोल के आप एक एश्योरेंस लेटर दीजिए विथ DC का साथ। ऐसे नहीं है कि मतलब आप लोग सिर्फ मुख से एश्योरेंस देगा हम मानेगा, ये बात नहीं है। हम वही बोल रहे हैं कि आप एक DC का साथ आप एक एश्योरेंस लेटर दीजिए, मेरा तो यही मांग है, और जितना तारासो पब्लिक का तरफ से भी यही मांग है कि आप एश्योरेंस लेटर हम लोग एग्रीमेंट का तौर पे आप दीजिए, DC का साथ आप एग्रीमेंट का तौर पे एक दीजिएगा। और तो और बात यह रहा कि आपने कहा एग्जीक्यूटिव सर, आपने कहा कि आप यहाँ आने वाला सिर्फ 1 साल हुआ, लेकिन आपने 1 साल में 2 करोड़ का एक आप बिल आप कॉन्ट्रैक्टर को दिया, वो किस बेस पे दिया? जबकि 4 साल में कुछ काम नहीं हुआ लेकिन आपने फिर भी 2 करोड़ का 2 करोड़ का जो अमाउंट है आप कॉन्ट्रैक्टर को आप रनिंग बिल का तौर पे दिया, लेकिन काम ही हुआ नहीं है, आप क्यों पैसा देना है? उसका आप काम बताइए आगे। तो पहले तो यही है कि आप उसका काम कहाँ में है आप दिखाइए। और ये बात है कि ये हेंड्रेंस जो आप बोला, हेंड्रेंस जो आप तकलीफ का जो बेसिस में आप बोला, ये दरअसल गलत है, क्योंकि ये जो रामगढ़ जो ब्रिज है रिसेंटली बना है, उसका बाद ये जो MSSN इंटरप्राइज, आप लोग से भी कम वक्त में ये काम करके दिखाया, जस्ट फ्रॉम बोरमाई टू दरियाबिल जो रोड है PMJS का रोड है, बिना ब्रिज का आपने ये आपका ये जो आपका रास्ता का कंप्लीशन जल्द से जल्द कर ही दिया, उसको तो मैं थैंक्स ही मानता हूँ। आप लोग 5 साल में, आज तक का 5 साल हो गया लेकिन आज तक आप लोग बीती भी नहीं कर सक रहा है, बीती वो भी किया तो किया लेकिन विदाउट आपको क्वालिटी मेंटेन करके किया है, बीचों बीच में छोड़ते गया, किस बेस में छोड़ा हम पता नहीं है, बीती किया तो आधा किया,
किस बेस में किया हुआ हमको पता नहीं है। और तो और आपने बोला कि 13 करोड़ है, तो 13 करोड़ का काम कहाँ में है? 13 करोड़ का काम कम से कम होने से आपका जितना भी बीती तो कंप्लीट हो रहा हो जाना चाहिए था, 7 to 8 किलोमीटर, बट आपने किया सिर्फ 3.5। और ये जो ये आपका GSB का जो बात है, GSB जो बात का, वो आपका सिर्फ 12 point something कुछ है, तो आगे तक तो आप तो लेके नहीं जा रहे। 13 करोड़ में कम से कम ये कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आप किया नहीं है। चलो 20 करोड़ ना सही, 13 करोड़ में तो ये चीज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए था, आपका जितना भी है मेटेलिंग सोल्डिंग जितना भी ख़त्म हो जाना चाहिए था, लेकिन आप किया नहीं है। और आपने बोला कि 16 किलोमीटर, जबकि DPR में है 19.5, लेकिन आपने बोला 13 किलोमीटर, लेकिन अरे 16 किलोमीटर, जो 3.5 हाफ को कौन करेगा? आप करेगा ना, पब्लिक करेगा क्या? कौन करेगा कौन? हम क्या पब्लिक सोशल सर्विस वहाँ में करके क्या रास्ता बनाएगा? डिपार्टमेंट से यही पूछता हूँ कि अगर आप काम करना ही है तो फुल स्टेज में करो, क्यों हाफ स्टेज में कर रहे हैं? आपका अगर डिपार्टमेंट, आपका अगर एजुकेटिव डिपार्टमेंट अगर नहीं मान रहा है, जितना भी जो अपर क्लास जो ऑफिसर है वो लोग नहीं मान रहे, तो आप हमको एश्योरेंस दीजिए कि ये 3 किलोमीटर को क्या करना क्या है। और हम यही जय आपका जो चेहरा तेजा है RWD को, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि आप ग्राउंड रियलिटी क्या है, आप ए को दिखाना है, ए का बाद एजुकेटिव जाता है, लेकिन आपने जय का फायदा उठाया। आपने ये 4 साल में कुछ काम नहीं किया, लेकिन 5 साल का रनिंग में आपने ये क्या बोलते 2 करोड़ का पैसा उठा के आप गमे ये कॉन्ट्रेक्टर को दे दिया। पहले काम कर लो, उसका बाद पैसा लो। आप ये हम नहीं कह रहे कि आप पैसा मत दो, हम नहीं कह रहे, हम तो यही बोल रहे कि आप पैसा को देना है तो काम का बात दीजिए ना, क्यों आप काम से पहले क्यों दे रहे हैं? आज जो मेटेलिंग एंड सोलिंग WBM 1-2 जो किया करने का, सिर्फ वही बोरमाई तीन आली सिर्फ तारासो नहीं है, उसका बाद और बहुत सारा है, राधासो तक पहुँचना है। राधासो पहुंचने के लिए 19.5 किलोमीटर होता है, ये आप लोग का DPR कह रहा है, लेकिन आप लोग ये जो 16 किलोमीटर बोल रहे हैं हम ये नहीं मानते। आप ये 3.5 किलोमीटर को भी आप कहीं से भी होने से एडजस्ट करना पड़ेगा। आपका ये जो DPR का मुताबिक से तो आप कम से कम फुल स्टेज का ख़त्म करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। 5 साल हो गए अभी तक आप मेंटेनेंस में चलना चाहिए था, लेकिन आप अभी तक ये क्या बोलते क्लेम नेशन में चल रहे कि हमने ये किया वो किया, हम वो नहीं मानते। हमको चाहिए रास्ता चाहिए जो भी हालत में, और हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर कुछ तकलीफ है आप DC से बोलिए या फिर चीफ इंजीनियर RW से बोलिए, आधा से बोलिए, हमें मत सुनाइएगा। ये है। और आप बोल रहे कि जो पहले जो करके जो चला गया उसको पता नहीं, लेकिन आपने जो 2 करोड़ इशू किया ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम, ये करप्शन का तौर पे हम ये लग रहा है, करप्शन लग रहा है। और ये जितना भी है राधासो का जो आदमी है, आप जो 3 किलोमीटर का जो डिडक्ट कर रहे हैं वो राधासो कनेक्ट करता है, 3 किलोमीटर जो है राधासो कनेक्ट करने, राधासो का आज आदमी है रो रो के, आज जितना भी हो खून का आंसू रोते हुए आज बोल रहे कि ये रास्ता नहीं बनने का कारण से आज मेडिकल प्रॉब्लम है, स्कूलिंग का प्रॉब्लम है, जितना भी जो फोर्स का जो आना चाहिए वो भी नहीं आ रहा। आप लोग कहीं से तो कुछ मैनेज कर देना पड़ेगा। और आप बोल रहे 31 मार्च तक का, चलो हम भी मानते 31 मार्च 2023 तक हम भी मानते हैं, हम मान लेते हैं, हम लोग 1300 का आदमी हम मान लेते हैं कि आप 31 मार्च कंप्लीट कर देगा। हम ये भी सोचते हैं कि चलो 5 साल तक कुछ नहीं हुआ, 5 साल रानी तक कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 6 महीना में आप कर देगा बोल रहे, हम बहुत थैंकफुल है आपको, अगर ये आप कर देते हैं हम बहुत थैंकफुल होगा, लेकिन आप नहीं कर देता है तो आप ये ATW फार्म को, डिब्रूगढ़ का जो फार्म है वो वालों को आप ब्लैक लिस्टिंग करना पड़ेगा, वो आप लोग एग्रीमेंट में लिखना पड़ेगा विद DC का साथ।
आप लोग का सिर्फ वही है आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को हम एश्योरेंस का तौर पे हम सिर्फ कागज आप लोग का आरडब्ल्यूडी से नहीं लेगा, हम डीसी का तौर पे डीसी का तरफ से हम लेगा विथ एमएलए का साथ, हम लोग का जो विधायक है तना हाली जी उसका साथ में हम लिया जाएगा ये चीज़ को, नहीं तो हम कभी मानेगा नहीं है। और हम 31 अक्टूबर अगर ये आप 2-3 दिन का अंदर में आप नहीं कर सकता है, आई विल गिव यू सिर्फ ये देता है कि 3 दिन का आपको वक्त देता है, आप ये चीज़ को करना पड़ेगा। 3 दिन का बाद नहीं मानते, लेकिन 31 अक्टूबर का बाद हम पैदल यात्रा शुरू करेंगे, तरासो से लेके सीधा यूपीआई ऑफिस तक हम शुरुआत करेंगे। और प्रोटेस्ट तो जरूर होगा ही, जितना भी हो डीसी ऑफिस में जो जितना भी होना है होगा। और ये हम कंट्रेक्टर को ये बोलना चाहते हैं, आप बोल रहे कि फोकलाइन छीन लिया क्या छीन लिया, वो हम नहीं मानते। अगर फोकलाइन छीन लिया तो आप डिपार्टमेंट को बात करो ना, हमको क्यों बात कर रहे हैं आप, पब्लिक को क्यों बात है, पब्लिक का कुछ ये है क्या, प्रॉब्लम है क्या आपको? पब्लिक तो आपको कुछ भी नहीं बोल रहा है, आपका जितना भी हो जो भी सामान है फ्री में देते जा रहे हैं, आपका जितना भी हो मेटलिंग पत्थर हो जीएसबी हो जितना भी फ्री में देते जा रहे हैं। आप काम करना चाहिए तो आप किया नहीं, आप ऐसे अभी बकवास में बात कर रहे हैं आप। और मेरा एमएलए विधायक श्री तनाहाली जी को मैं यही उम्मीद करता हूँ कि आप ये आपका प्रोटेस्ट को देखते हुए आप भी कुछ बोलेगा, शायद तरासो का वासी के लिए आप भी एक विधायक है, आपका तरफ से कुछ एश्योरेंस दिया जाएगा होगा सोच के हम ये मानता है। थैंक यू जी। अगय जी हमें ये बताइए कि आपने उस दिन जिस वक्त 24 को आप लोग प्रोटेस्ट किया है उस वक्त आपने बहुत बड़ी एलिगेशन लगाया था कि 20 करोड़ का वहाँ पे पंच जो है ऑलरेडी यूज़ कर चुका है, यहाँ पे मिसयूज़ हुआ है, तो ये कहाँ तक सच है? क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोल रहे हैं कि 13 करोड़ ही रिलीज़ किया गया है, 11 करोड़ अभी तक उसका पास है बचा हुआ है, इसमें आप क्या कहेंगे? हम पहले तो हम ये आपका आरडब्ल्यू डिपार्टमेंट को सॉरी कहना चाहते हैं। सॉरी क्यों बोलने से आपका, हमने एक गलती किया कि 4th RA में मैंने एक पॉइंट को मिस करके आज 20 करोड़ का जो चीज़ है निकाला गया उसको मैं सबसे पहले मैं सॉरी मांगना चाहता हूँ मेरा तरफ से एज ए TCY प्रेसिडेंट मुरंग अकाई का तरफ से हम मांगना चाहता हूँ, मैं ये सॉरी मांगता हूँ। लेकिन यही है कि 13 करोड़ का जो आपने बोला 13.47 समथिंग कुछ बोल रहा है, लेकिन वो वाला काम अभी तक किया क्यों नहीं? उसका काम आप दिखाइए ना, पब्लिक ऑडिट कीजिए। पब्लिक ऑडिट में हम तो आपको मांग करता है, आप पब्लिक ऑडिट में भी आइए तब तो। और तो और आप बोल रहे कि मतलब ये जो जो ये ब्रिजेस का बारे में बोरमाए तरासो राधासो ये 3 ब्रिज का बात में बोल रहे हैं, ये 3 ब्रिज में आपका 4 पाइलिंग जो किया है आपने बोला, लेकिन वहाँ में 3 सिर्फ है, 3 पाइलिंग किया, एक तो कुछ पाइलिंग किया भी नहीं है राधासो वाला, तरासो और बोरमाई का जो आपने किया 3 सिर्फ 100 मीटर वाला जो आपने बोला इसको हम मानते हैं। लेकिन यही है कि सर आपको मैं यही बोलता हूँ कि ये 4 पाइलिंग हुआ नहीं है, सिर्फ 2 पाइलिंग हुआ, तीन सिर्फ पाइलिंग हुआ वही सिर्फ है। उसका बाद हम यही बोलते हैं कि आप एक एश्योरेंस लेटर हमको जारी कीजिए वही डीसी का साथ, हम यही मांग करते हैं।